guys, welcome back to our new vlog and welcome to our channel Mama and Kids Family. और आज की शुरुआत करते हैं. आज अभी से दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं नहा धो के फ्रेश होके. तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे. तो अभी कर लेते हैं पूजा मंदिर में, थोड़ा सा जल अर्पण कर देते हैं. आज है मंडे, तो मंडे वाले दिन उसे भी जल चढ़ाना बनता है, हम तो रोज ही चढ़ाते हैं. तो ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं पूजा से. पहले करते हैं पूजा, फिर बनाएंगे लंच, फिर बनाएंगे, फिर करेंगे वो सारे काम, फिर चले पूजा करने. चले छोटा सा, तो मैं हमेशा इसी में पूजा करने के लिए चली जाती हूँ. जो बड़ा वाला मंदिर है वो काफ़ी दूर है, ये बहुत ही पास में पड़ता है, तो आराम से जाके जल भी चढ़ जाता है कम से कम डेली के डेली. तो आज बना रहे हैं हम आम की मीठी वाली सब्जी. बना लेते हैं. एक औरत का आधा समय किचन में ही जाता है, और लेकिन उसका क्या, चलो छोड़ो फिर किसी दिन. अभी बना लेते हैं आम की, कच्चे आम की सब्जी. तो पहले हम इनको क्या करेंगे, पहले हम इनको ऐसे छील लेंगे, ठीक है, ऐसे छील लेंगे इसको, और छील के इनको पीस कर लेंगे, ठीक है. तो चलो इनको काट लेते हैं. काट लिए ये मैंने, कट गए. अब इनकी मीठी वाली सब्जी बनाते हैं. चलिए, और साथ में मिर्ची भी, हरी मिर्ची वो भी फ्राई कर लेते हैं. तो आम की मीठी सब्जी बनाने के लिए पहले कर लेते हैं गैस को ऑन. कढ़ाई रख दी है. अब इसमें मैं ऑयल का यूज़ नहीं करूँगी, मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है, और क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है. घी गर्म हो गया है तो मैं थोड़ा सा जीरा, और जीरा के साथ मैं सौंफ इसमें ज़रूर डालूँगी, थोड़ी सी सौंफ, क्योंकि सौंफ से इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा बन के आता है. तो थोड़ी सौंफ यूज़ करूँगी, और मैं थोड़ा सा फिर इसको शेक कर दूँगी. कि वैसे तो ये ऑलमोस्ट भुन गया है, और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, और उसके बाद जो कच्ची कैरी हमने जो काट के रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी, चलाती थोड़ा चला के. और फिर ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ तो होते नहीं हैं. अब इसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नहीं इनफैक्ट जितना आपको पसंद हो. अगर आपको पतली थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा वाटर डाल दीजिए, कम पसंद है तो थोड़ा सा कम डालें. मैंने सही पानी की मात्रा डाली है इसके अंदर, क्योंकि हमें बहुत
गाढ़ा पसंद नहीं है, और इसको शेक कर देंगे। और फिर इसमें और मसाले ऐड कर देती हूँ। ये मैं थोड़ा नमक अपने स्वाद अनुसार, वाइट सॉल्ट और थोड़ा इसमें ब्लैक सॉल्ट मैं इसमें यूज़ करूँगी। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा, दो हरी मिर्ची मैं इसके अंदर डालूँगी। दो हरी मिर्ची ऐसे कट करके, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची भी ऐड करूँगी। थोड़ा उससे उसका स्वाद, उसका टेस्ट, उसकी महक काफ़ी अच्छी आ जाती है। ये आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम काली मिर्ची पाउडर यूज़ करूँगी। और इसको शेक करके और कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये पकता है हम दूसरा काम कर लेते हैं। जब तक मेरी आम वाली सब्जी बन रही है मैं थोड़ी हरी मिर्ची काट लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा आज थोड़ा सा हरी मिर्ची वाला उनको फ्राई करके बना लूँ। थोड़ा सा आम डाल के, आम बहुत खट्टे हैं तो मैं ये डाल के बना दूँ। जब तक वो तैयार होगी तब तक मैं ये काट लूँगी और इसको भी उसके बाद फ्राई कर दूँगी। खाना बहुत गर्मी होती है किचन के अंदर, बहुत ही ज़्यादा, तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना थी, इसलिए मैं मोस्टली सब्जी अपने रूम में ही काटती हूँ। या फैन वैन तो कुछ है नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं इसीलिए उसमें काटती हूँ। और इधर ये पक गई है, यानी आम गल गया है, जो कच्चा आम था वो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टी होगी और ये आम भी ना बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं, तो मैं इसमें शुगर अच्छी मात्रा में ऐड करूँगी। शुगर भी ऐड करनी ही है, तभी तो मीठी खट्टी मीठी सब्ज़ी बनेगी। तो ये मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है, ऐसे मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए, और इसको पकाएंगे कवर करके, क्योंकि चीनी का पकना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी बन करके रेडी हो चुकी है मीठी आम की सब्ज़ी, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज लगती है। रोटी के साथ खाओ, पूड़ी के साथ खाओ, इनफैक्ट कोई भी चाट वगैरह घर में बनानी है तो उसके साथ भी ले सकते हैं। जैसे हम मीठी चटनी बनाते हैं और इसको ग्राइंड करके एकदम बढ़िया वाली बन जाती है। तो अभी हम इसको इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि मैं दूसरी कढ़ाई का यूज़ नहीं करूँगी, और इसी कढ़ाई में ही जो मिर्ची फ्राई करनी है मुझे आम डाल के, वो भी मैं इसी कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से इसको रख दूँगी, गर्म हो जाएगी, उसके बाद इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। सरसों का तेल, बहुत ही शुद्ध सरसों का तेल, हमारा घर का सरसों का तेल है, तो उसे खाने में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है। बाज़ार में तो खामा खां कच्ची घानी कहते हैं, पर पता नहीं कैसी कच्ची घानी का ऑयल आता है। ये हमारा खुद का निकला हुआ ऑयल है। और इसमें मैं थोड़ा जीरा और थोड़ी सौंफ डाल के बस, और इसको फ्राई कर दूँगी। नमक डाल दिया और भी मसाला थोड़ा बहुत ऐड करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो ऐसे ही नमक डालो। और बढ़िया सी अपनी मिर्ची भी तल के रेडी हो जाएंगी। इस तरीके से ये एक ही कढ़ाई का यूज करके दो दो चीज़ें बना डाली, बर्तन भी नहीं हुए। तो मोस्टली ऐसा ही होता है, कभी सूखी सब्जी बनती है तो सूखी सब्जी बना लो, फिर उसके बाद उसमें रसीली सब्जी भी बना लो, दो दो काम हो जाते हैं। इस तरीके से अब इसको बिल्कुल स्लो वाली मीडियम, बिल्कुल स्लो पे इसको रख देंगे, धीरे धीरे ये पक जाएगा। और इतनी देर में मैं बना लेती हूँ अपनी रोटियाँ। लो भाई, बन गया डिनर। और डिनर में क्या बनाया अभी दिखाते हैं। ये बनाई है वही अभी मैंने बताया था, मीठा आम की सब्जी, खट्टे खट्टे वाले आम की मीठी सब्जी। और ये मैंने मिर्ची तल दी थी
और ये है मैंगो और रोटी, और ये है खाने वाले हैं, डिनर है रेडी, तो चलिए कर लेते हैं डिनर। ओके लेट्स स्टार्ट। अच्छा मैंगो से स्टार्ट। तुम्हारा मैंगो बहुत टेस्टी है। अच्छा तुम्हें क्या टेस्ट नहीं लगता है? Really? Yeah. ये नोज भी क्या कर लिए? क्या है? लगा लिए क्या किसी से?